Hello everyone, how are you all? Good, I am good too. So yes, I am making this video for everyone who is preparing for KVS interview. Yes, I am Priyanka Vats. I cleared my KVS exam in 2018. मेरी पोस्टिंग आई थी केरला कोची एर्नाकुलम में. ओके, मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया बिकॉज मैं उस टाइम पे दिल्ली जल बोर्ड में एज जूनियर असिस्टेंट वर्क कर रही थी. बट आफ्टरवर्ड्स आई क्लियर माई DSSB टीचिंग एग्जाम प्राइमरी टीचर और अभी मैं इन MCD एज प्राइमरी टीचर वर्किंग हूँ. सो आई हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज इन प्राइवेट स्कूल्स एंड स्पेशली इन KVS, राइट? बिकॉज मैंने KVS पीतमपुरा में एंड KVS द्वारका में बहुत टाइम तक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की है. अब बात करते हैं KVS प्रिपरेशन की, इंटरव्यू प्रिपरेशन. सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज कॉन्फिडेंस. आप सभी में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए. चाहे आप हरियाणा बैकग्राउंड से हैं, राजस्थान बैकग्राउंड से या किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपको सिर्फ अपनी बात रखनी आनी चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है. यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन हिंदी, आप किसी भी भाषा में बात कीजिए पर अपनी बात को रखना जानिए. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू इज कि हमें किस तरीके से रूम में एंटर करना है, हमें किस तरीके से बात करनी है, और अगर किसी एक ने हमसे बात की तो हमें किसको रिप्लाई करना है. सिर्फ इन्हीं को देखना है या इन्हीं को देखना है या सबको देखना है, ये सब वीडियो में आगे आपको पता चलेगा ये सब. पॉइंट नंबर थ्री है कि हम ऐसा एक टॉपिक अपना प्रिपेयर कर चलेंगे. हर एक सब्जेक्ट में आप कुछ कुछ टॉपिक ऐसे चूज कर लीजिए कि अगर वो आपसे बोले कि आपको अपना एक टॉपिक का पढ़ा के दिखाइए और इस क्लास का पढ़ा के दिखाइए, तो वो टॉपिक है. छोटी क्लास है तो उसमें और एग्जाम्पल्स के थ्रू और एक्शन के थ्रू, और बड़ी क्लास है मैं उसी सेम टॉपिक को आप कैसे पढ़ाएंगे. मुझसे पूछा गया था कि आप एक चैप्टर पढ़ाएंगे, तो मैंने फूड लिया था और फूड को मैंने कैसे प्रेजेंट किया था, एक स्टोरी फॉर्म में. तो इससे हमारा पॉइंट नंबर फोर आता है कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है. हमें वॉइस मॉड्यूलेशन का, स्टोरी फॉर्मेशन का, एक्शन, हमें पूरी एक्टिंग करके दिखानी है. अभी लगेगा कि अरे मैम तो बड़ी एक्टिंग कर रही हैं, बट नो, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों को इस तरीके से ही पढ़ाना है ताकि उनको इंटरेस्ट डेवलप हो. क्योंकि वहाँ पे हम वो हमें क्या दिख रहे हैं, वो हमें कैसे जज कर रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे. तो यस, हमें इसी तरीके से बहुत ही एक्सप्रेसिव होना है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप तो सिर्फ कैमरा के उधर हैं, बट मैं कैसे आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ, कैसे आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही हूँ, वो हमें सीखना है, राइट? आपको अपना इंट्रोडक्शन, अपना पूरा रिज्यूम जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, राइट? प्रेसिंग माइसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम, एंड दैट इज द थिंग. जनरली दे डोंट टेक मच टाइम एंड दे लिसन ऑल माय इंट्रोडक्शन, एंड दैट वाज वेरी इंप्रेसिव. पॉइंट नंबर सिक्स, आप किसी भी एक कविता, इंग्लिश में, हिंदी में, एक पूरे एक्शन के साथ एक कविता तैयार कीजिए. और आप चाहे तो आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं और मैंने किस तरीके से प्रिपेयर की थी वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में शो करूंगी. के सामने प्रैक्टिस करनी है, वी हैव टू प्रैक्टिस एज मोर एज वी कैन. और हमें ट्राई करना है दूसरों से इंग्लिश में बात करने की. ओके, क्या होता है, क्योंकि हम इंडियन बैकग्राउंड से होते हैं और मोस्टली बच्चे, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, तो होता है कि हमारा एक इंग्लिश में एक हाथ थोड़ा सा खिंचाव रहता है. हम अपनी बात, अगर किसी ने हमसे इंग्लिश में जब क्वेश्चन पूछ लिया तो हो सकता है हम हिचक जाए या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए. तो हमें वो कम नहीं होने देना है, और उसके लिए हमें हम आपस में भी इंग्लिश में बात करेंगे और हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे. हम इसी तरीके से और वीडियोस बनाते रहेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर वीडियोज प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड लव टू ब्रिंग दीज वीडियोज विद यू गाइस. होप दिस इज यूजफुल. Like, share and subscribe.